ये वाकई में एक बिल्कुल सरल टेलीस्कोप है। इसको सास्ता या साउथ अफ्रीकन एजेंसी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डिजाइन किया है। इसमें गत्ते के तीन ट्यूब हैं, तीनों की लंबाई 30 सेंटीमीटर है पर उनके व्यास अलग अलग हैं। ये सबसे मोटा ट्यूब है और इसके अंदर मध्यम आकार का ट्यूब आसानी से घुस जाता है और सबसे छोटा ट्यूब मध्य ट्यूब में चला जाता है। इसलिए आप इन तीनों ट्यूब को इकट्ठा करके छोटा कर सकते हैं या उनको खींच करके उनकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इनको टेलीस्कोपिक ट्यूब नाम दिया गया है। ये एक छोटा सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव कॉनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है। और जो बड़ा लेंस है ये है हमारा ऑब्जेक्टिव, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ 70 सेंटीमीटर की है। अब आप दोनों लेंसों को, जो बड़ा लेंस है उसको दूर रखें और छोटे लेंस को आस पास थोड़ा एडजस्ट करें और आप किसी भी दूर की वस्तु को साफ स्पष्ट देख पाएंगे। सबसे पहले आप जो छोटा ऑब्जेक्टिव लेंस है, कॉनकेव कॉनकेव लेंस है, उसको आप लेंस होल्डर के बीचों बीच चिपका दें। उसके बाद जो लेंस होल्डर है उसकी किनार पर आप गूंद लगाएं और उसको टेलीस्कोप का जो छोटा सिरा है, जो कम मोटा सिरा है, उस ओर उसको चिपका दें। इस आईपीस से ही हम देखेंगे, इसके बिल्कुल करीब हमारी आंख होगी और आप इस तरह से इन ट्यूब्स को एक दूसरे में स्लाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है, ये एक कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है। ध्यान रखें कि इसका कॉन्वेक्स सतह बाहर की ओर हो, यह बेहद जरूरी है। अब आपका यह टेलीस्कोप लगभग तैयार है, थोड़ी सी देर रुकें जिससे कि लेंस सूख जाएं, फिर इसको बाहर लेकर के जाएं। देखिए, आप ट्यूब्स को एक दूसरे के अंदर स्लाइड कर सकते हैं, उससे फोकल लेंथ एडजस्ट करके एक शार्प इमेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आप छोटा वाला जो लेंस है उसको अपने आंख के पास रखें और जिस चीज को देखना चाहते हैं ट्यूब को आगे पीछे करके उन पे फोकस करें। इससे आप वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं, चिड़िया निहार सकते हैं या चाहें तो चंद्रमा को निहार सकते हैं। ये वाकई में एक बहुत सरल सा टेलीस्कोप है, बनाना भी आसान है।